इस वक्त ईरान और इजराइल आमने सामने हैं। दोनों देशों के बीच बड़ा तनाव दुनिया में एक और युद्ध की आहट दे रहा है। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर हवाई हमले किए। इसके पहले ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनेई ने कहा कि इजराइल को उसके ऑपरेशन के लिए दंडित किया जाना चाहिए और किया भी जाएगा। चेतावनी के बाद ईरान ने शनिवार देर रात इजराइल पर 330 मिसाइलें दागी। इस दौरान ड्रोन से हमले भी किए गए और अब इजराइल भी ईरान पर जवाबी कार्रवाई चेतावनी दे रहा है। उधर ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा कि इस्लामी दुनिया फिलिस्तीन की आज़ादी का जश्न मनाएगी। इससे संकेत मिल रहा है कि ये क्रिया और प्रतिक्रिया का सिलसिला जल्द थमने वाला नहीं है। आज ईरान और इजराइल भले ही आमने सामने हैं, लेकिन ये कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन बदलती भू राजनीति ने इन दोनों देशों को एक दूसरे का कट्टर दुश्मन बना दिया। अब ईरान और इजराइल एक दूसरे को अपने अस्तित्व पर संकट की तरह देखते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे एक दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट गौरव और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी टेक्निकल रिसर्च में। साल 1948 में निर्माण के बाद इजराइल काफी उठापटक झेलता रहा। ज्यादातर देशों ने उसे मान्यता देने से इंकार कर दिया था, खासकर मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों ने। वहीं ईरान उसे तब मान्यता दी थी और उस दौर में पूरे वेस्ट एशिया में ईरान यहूदियों के लिए सबसे बड़ा ठिकाना था। नया नया यहूदी देश इजराइल ईरान को हथियार और तकनीकी देता था, बदले में उससे तेल लिया करता था। दोनों के बीच रिश्ते इतने अच्छे थे कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के इंटेलिजेंस सावक को खुफिया कामों की ट्रेनिंग तक दी थी। दोनों के बीच दुश्मनी की नींव डाली ईरान के इस्लामिक क्रांति की वजह ने। 60 के दशक में ईरान के धार्मिक नेता आयतुल्ला रूहुल्ला खुमैनी ईरानी को मुस्लिम देश बनाने की बात करने लगे थे। तब देश पर राजा शाहराजा पहलवी का राज था और जिनके अमेरिका और इजराइल से बढ़िया रिश्ते थे। खुमैनी इन दोनों देशों को शैतानी देश कहा करते थे और मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठाते रहते थे। धीरे धीरे हवा खुमैनी के पक्ष में आ गई। क्रांति से पहले लाखों लोग शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। हालात इतने बिगड़े कि राजा को देश छोड़कर भागना पड़ा। साल 1989 में ईरान इस्लामिक देश घोषित हो गया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका समेत सहयोगी देश यानी इजराइल से खुलकर नफरत दिखानी शुरू कर दी थी। इस्लामिक रिवॉल्यूशन के तुरंत बाद दोनों देशों के बीच यात्राएं बंद हो गईं, एयर रूट पूरी तरह रोक दिया गया, दोनों के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते भी खत्म हो गए। तेहरान स्थित इजराइल एम्बेसी को फिलिस्तीन के दूतावास में बदल दिया गया। एक जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये कि दोनों ने एक ही दूसरे को मान्यता देने से इनकार कर दिया। ईरान ने इजराइल को पहले मान्यता दी थी, लेकिन खुमैनी के आने पर माना गया कि यहूदियों ने फिलिस्तीनियों का हक मारा है। वहीं इजराइल ने भी अमेरिका की देखा देखी इस्लामिक रिपब्लिक को मानने से मना कर दिया। ईरान पर इजराइल में अस्थिरता पैदा करने का आरोप भी लगा था। रहे सहे रिश्ते तब खत्म हो गए जब इजराइल को इस बात की भनक लगी कि ईरान उसके विरोधी देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने लगातार सीरिया, यमन और लेबनान को न केवल हथियार दिए बल्कि वहां के लड़ाके संगठन भी बनाए ताकि वो इजराइल को डरा सके। 80 के दशक में इस्लामिक जिहाद वो पहला आतंकी गुट था जो फिलिस्तीन की मांग को लेकर इजराइल को परेशान कर रहा था। उसे ईरान का खुला सपोर्ट था और इसी समय ईरान ने हिजबुल्ला को भी तैयार किया जो इजराइल में लगातार अस्थिरता लाता रहा। इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्ला ने केवल उसके यहाँ बल्कि दूसरे कई देशों में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया। वो उन जगह को टारगेट करता जहाँ यहूदी समुदाय हो या उसका दूतावास हो। अर्जेंटीना में साल 1994 के ऐसे ही हमले में 85 यहूदी मारे गए थे। दोनों के बीच तनाव ऐसे बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि ईरानी नेताओं ने इजरायलियों के नरसंहार तक को छूट पटा डाला था। तब से इन दोनों देशों के बीच प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, इसे शैडो वॉर भी कहा गया। जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, इसमें दोनों देश सीधे सीधे लड़ाई करने का ऐलान नहीं करते थे बल्कि छिप छिपाकर हमला कर रहे थे, यानी पर्दे की आड़ में।
हमला इसी लोकल आतंकी संगठन के जरिए किया जाता। ईरान उन सारे देशों को फिलिस्तीन के नाम पर उकसाता रहा जो इसराइल को घेरे हुए हैं, लेकिन अब शैडो वार खुलकर युद्ध में बदलता दिख रहा है। अगर ये युद्ध होता है तो आपको क्या लगता है कि हमारा भारत किसे सपोर्ट करेगा? आइए जानते हैं। मध्य पूर्व एशिया और यूरोप तक अपनी पहुंच बनाने के मकसद से ईरान भारत का महत्वपूर्ण पार्टनर है। ईरान में भारत चाबहार पोर्ट बना रहा है ताकि पाकिस्तान को नजरअंदाज करते हुए भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया के अन्य देशों तक पहुंच सके। ईरान भारत का बड़ा एक तेल आयातक देश भी है और अब जानते हैं कि इजराइल भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इजराइल भारत का एक अच्छा देश मित्र है और 1999 में कारगिल जंग के दौरान इजराइल खुलकर भारत का समर्थन किया था। रक्षा क्षेत्र में इजराइल और भारत के बीच समझौते हुए हैं जिसके तहत भारत के MSME माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने में इजराइल ने भारत की मदद की है। इन दोनों देश के बीच में अगर युद्ध होता है तो भारत एक सामान्य स्थिति में होगा। भारत किसी भी देशों की मदद नहीं करेगा। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।